आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल जारी है। आम आदमी पार्टी अपनी जगह गुजरात में बनाने के लिए लगातार प्रचार कर रही है, वहीं 27 सालों से राज्य में शासन कर रही भाजपा भी पीछे नहीं है। इस बीच भाजपा नेता हार्दिक पटेल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। साथ में कहा गया है कि गुजरात में लोग भाजपा से खुश नहीं है और इस वजह से वो भाजपा नेता हार्दिक पटेल का विरोध कर रहे हैं। कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ शेयर किया। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने छानबीन करते हुए पाया कि वीडियो में लोग भाजपा नेता हार्दिक पटेल का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वो कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का विरोध कर रहे हैं। ध्यान दें कि पाटीदार आंदोलन के बड़े चेहरे रह चुके हार्दिक पटेल साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। हालांकि जून 2022 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो भाजपा में शामिल हो गए। इस वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए हमने YouTube पर सर्च किया। ऑल्ट न्यूज को 2019 की कुछ वीडियो रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2019 में अहमदाबाद में कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर हार्दिक पटेल का कुछ लोगों ने विरोध किया था। देश गुजरात ने बताया था कि अहमदाबाद में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर TV9 गुजराती को इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे थे। वहां वॉक के लिए पहुंचे लोगों ने हार्दिक पटेल का विरोध किया था। इस घटना का वीडियो गुजराती चैनल VTV न्यूज ने भी चलाया था। यानी मार्च 2019 में अहमदाबाद में कुछ लोगों ने हार्दिक पटेल से सवाल पूछते हुए उनका विरोध किया था और तब वो कांग्रेस से जुड़े थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर BJP को निशाना बनाते हुए शेयर किया गया।